हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये सुबह का समय है और मैं तुलसी जी में पानी दे रही हूँ। तुलसी जी के पास ही मेरे एक नींबू का पौधा भी लग गया है, तो तुलसी जी आपको दिखती नहीं होंगी। तो ये हैं तुलसी जी और बहुत पुरानी तुलसी जी हैं। तो मैं बना रही हूँ अब किचन में जाके एमी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। जब से एमी आई है मेरी दिनचर्या बदल गई है। नहीं तो मैं सुबह उठकर थोड़े से बाहर चक्कर भी लगा लेती थी और छत में भी घूम लेती थी, लेकिन अब मेरी जो पहली ज़रूरत है एमी है, क्योंकि मतलब पहला जो मेरा काम है वो है एमी का, क्योंकि एमी पूरी रात की भूखी होती है और वो सुबह उठते ही चक्कर लगाने लगती है, किचन में आ जाती है और कभी आलू मांगती है तो कभी कुछ मांगती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कोई भी खाने या तो मैं आलू उबालती हूँ या फिर मैं खिचड़ी बनाती हूँ। तो दो दिन से मैं उसकी खिचड़ी बना रही हूँ और वो किचन में आ चुकी है, मुझसे आलू ले रही है। ये देखिए, वो चक जाती है और आलू लेने लगती है और सुबह उसको बहुत तेज़ भूख लगती है। और आजकल उसने एक गलत आदत और कर की है कि पलंग में जाके आलू खाती है। तो मास्टर जी उससे झगड़ा कर रहे हैं, उसको उतार रहे हैं और उसकी आवाज़ आपको आएगी अभी भौंकने की। उसको उतरने के लिए कहते हैं तो वो उतरती नहीं है, भौंकती है और आलू भी छोड़ देती है फिर खाना। तो अंदर वो भौंक रही है और मास्टर जी से झगड़ा कर रही है। मैं बना रही हूँ उसकी खिचड़ी। खिचड़ी में डालूँगी मैं दाल चावल और डालूँगी सोया बड़ी, आलू डाल देती हूँ। ऐसे करके उसकी खिचड़ी बड़ी स्वादिष्ट बन जाती है और साथ में मेरा गर्म पानी भी हो जाता है। तो सुबह जो मेरे काम होते हैं डेली के वो मैं करती हूँ, वो आपको मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। पर ये काम मेरा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पहले एमी को भूख लगती है। तो बस चाय तो बहू आएगी नीचे तभी पियेंगे, हम साथ में ही पीते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, आज 1.5 साल हो गया शादी को बेटे की, तो हम कभी दोनों ही हस्बैंड वाइफ चाय नहीं पीते जब तक बेटा बहू नीचे नहीं आते हैं। कई लोग होते हैं वो सुबह से ही चाय पी लेते हैं, लेकिन हम नहीं पीते हैं जब तक बेटा बहू नीचे नहीं आते। तो हम इतने में अपना सारा काम कर लेते हैं। तो बस गर्म पानी हो गया है मेरा और इनका। मेरा बेटा गर्म पानी लेता है, उसके लिए मैं रख देती हूँ, बहू को सूट नहीं करता है गर्म पानी। तो हम तीन जने ही गर्म पानी लेते हैं, तो एक गिलास पानी मैं उसका भी रख देती हूँ जब वो आएगा नीचे, तो वो भी ले लेता है गर्म पानी। हम काफ़ी साल से ले रहे हैं। तो बस अब मुझे खिचड़ी ठंडी करनी है, और खिचड़ी ठंडी करूँगी नहीं उससे पहले ही मांगती है एमी, इसलिए मुझे जल्दी से पंखे में खिचड़ी को ठंडा करना पड़ता है। और कुछ मैस भी कर देती हूँ, आलू सोया बड़ी वगैरह पूरी मैस हो जाती है, तब वो अच्छी तरह से खा लेती है। उसे बहुत तेज़ भूख लगती रहती है रात की, तो वो बस लप लप आती रहती है और मेरे पास ही खड़ी रहती है। तो ये देखिए, वो फटाफट खा रही है अब खिचड़ी, और जब वो खा लेगी तब कहीं मुझे चैन आएगा, क्योंकि एक बच्चा होता है ना जैसे, उसी तरह मुझे इसकी भूख का ख्याल रहता है कि अगर ये खाएगी नहीं तो बस मुझे चैन नहीं पड़ता है। इसके लिए मैं जल्दी से खिचड़ी बनाती हूँ या आलू करती हूँ। तो ये देखिए, खा रही है ये। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह से मैंने खास कोई क्लिप नहीं ली, वीडियो नहीं बनाई। अब मैं बना रही हूँ 11:30 बजे मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए हलवा, क्योंकि हमारी मन्नत पूरी हो चुकी है और एमी बिल्कुल ठीक हो गई है। एमी खाना भी खाने लगी है, अपने आप से मांग के खाना खाती है एमी, और वो ठीक भी हो चुकी है। तो मैंने बोला था कि ठाकुर जी को मैं हलवा बना के खिलाऊंगी। जब भी कोई मेरी मन्नत पूरी होती है तो मैं ठाकुर जी के लिए हलवा बनाती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ हलवा। हलवा मैं आटे का बनाऊंगी, जिसमें डालूंगी मैं बादाम और किशमिश है मेरे पास अभी, वो डालूंगी और फिर ठाकुर जी को खिला के फिर खाना खाएंगे हम, क्योंकि आज हमारा व्रत भी है और 1 महीने हमने संकल्प लिया है कि हम 1 महीने 1 टाइम खाना खाएंगे एमी के लिए। तो एमी बिल्कुल ठीक हो गई है, हमारी मन्नत भी पूरी हो गई है और मंगलवार है इसलिए व्रत हम आज जल्दी ही खोलेंगे, 2:30 बजे खोल लेंगे व्रत, 1 टाइम खाना खाएंगे और शाम को हमारे कोई काम नहीं रहता है खाने का,
तो अभी बहू ने खाना बना लिया है, दाल चावल सब्जी रोटी। एमी को खिचड़ी खिला दी 2 बार सुबह, 1 बार मैंने खिला दी, 1 बार बहू ने खिला दी, और अब मैं बना रही हूँ थोड़ा सा हलवा। घी ज्यादा डालूंगी मैं हलवे में, घी ज्यादा होना चाहिए और बिल्कुल सिका हुआ होना चाहिए, आटा बिल्कुल सिक जाना चाहिए, तब ये हलवा अच्छा लगता है। साथ में डाल दूंगी मैं किशमिश और बादाम कूट के डाल दूंगी, इलायची डाल दूंगी। तो कहते हैं कि भगवान भावना का भूखा होता है, ज़रूरी नहीं कि हम बाज़ार की मिठाई मंगाएं। पहले मैं मंगाया करती थी, लेकिन जब से कोरोना हुआ तब से मैं बाज़ार की मिठाई नहीं मंगाती हूँ। वैसे हम खा लेते हैं, लेकिन भगवान के लिए मैं हलवा ही बना देती हूँ। जब भी मेरी कोई मन्नत पूरी होती है मैं हलवा बना लेती हूँ। हलवा वैसे भी बहुत सरल होता है बनाने में, और बस हलवा बना के भगवान को चढ़ा देती हूँ। कई लोग तो डेली ही चढ़ाते हैं, ठाकुर जी को हलवा चढ़ाते हैं, तो मैं जब भी कोई मन्नत पूरी होती है तो हलवा बना देती हूँ। हलवे में मैं डालती हूँ जैसे बादाम किशमिश वगैरह डाल देती हूँ, इलायची डाल देती हूँ, दूध डाल के बनाती हूँ, तो दूध डाल के बहुत अच्छा बनता है हलवा। इसका स्वाद भी अच्छा बनता है और भगवान भी खुश हो जाता है। और अपने हाथों से खिलाऊंगी आज मैं भगवान को हलवा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मेरी एमी अपने आप खाना मांग कर खाने लगी, मेरे बेटे और बहू की मेहनत सफल हुई, उन दोनों ने अपनी जी जान लगा दिया और भूखे भी रहे इतने टाइम और रह रहे हैं 1 महीने तक। तो ये उनका प्रेम है और हमारा सबका ही प्रेम है एमी के प्रति कि हमने खाना भी छोड़ रखा है और उसकी सेवा में सभी लगे हुए हैं। मास्टर जी भी बहुत सेवा करते हैं उसकी, और तीनों जने ही लगते थे जब उसकी ड्रिप चढ़ती थी, तो मास्टर जी, बहू और ये मेरा बेटा, मतलब तीनों जने लगते थे, तब कहीं जाके वो कंट्रोल में आती और वो बेचारी बिल्कुल ठीक। मेरा हलवा तैयार है और हलवे में मैं दूध डाल देती हूँ, दूध से इसमें मावे जैसा स्वाद आने लगता है। यदि मावा ना हो तो थोड़ा दूध डाल ले, दूध जब उसके साथ में सिकेगा और बिल्कुल कम हो जाएगा तो फिर आपको मावे जैसा स्वाद आएगा इसमें जरूर। तो ये हलवा खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी बना के देखिएगा, और जब भी आपकी मन्नत पूरी हो घर में ही हलवा बना के भगवान को चढ़ाते। तो ये हलवा ठंडा हो चुका है, अब मैं ठाकुर जी को खिलाने जा रही हूँ। मैं ठाकुर जी को अपने हाथ से खिला रही हूँ। तो थोड़ा सा प्रसाद मैंने एमी को भी खिलाया। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिए।